नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज चैनल में। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति गढ़ी की लैम्स रोहिड़ा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवेंग भाई पाटीदार से आरपीडी न्यूज टीम की खास मुलाकात। अध्यक्ष ने बताया कि किसानों की खाद, बीज व ऋण जैसी हर समस्या का समाधान करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो आइए जानते हैं संवाददाता बिरबल कड़वा के साथ अध्यक्ष देवेंग भाई पाटीदार से अपने किसानों के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं लैम्स रोहिड़ा के अंदर। यहाँ जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है देवेंग जी पाटीदार, वो हमारे साथ हैं और उनसे करते हैं बातचीत कि किसानों के क्या मुद्दे हैं और रोहिड़ा लैम्स की क्या स्थिति है और वर्तमान सरकार है उनके प्रति इनके क्या विचार है। तो करते हैं बातचीत। सबसे पहले पाटीदार जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको लैम्स के अध्यक्ष बने। धन्यवाद। तो पहले भी किसी पद पे या राजनीतिक सामाजिक कोई सरोकार की भूमिका में आप रहे हैं, फर्स्ट टाइम राजनीति? नहीं, बिल्कुल पहले भी रहे हैं। हमें शुरू से ही इन कांग्रेसी हैं जी। और उसके बाद पहले बिमपुर लैम्स में भी डायरेक्टर रह चुके हैं जी। 5 साल वहाँ भी निकले, उसके बाद लैम्स हमने अलग करवाया रोहिड़ा जी। उसके बाद फिर यहाँ गतिविधियाँ भी हुई हमारी, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं हम जी। तो अब की बार जिस प्रकार से लैम्सों में चुनाव हो रहे हैं, तो आपके क्या मुद्दे थे? गांव के किसानों ने आपको यहाँ समर्थन दिया है, आपके क्या एजेंडे थे? हमारे मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे थे, जो ऋण नहीं, काश्तकारों को अल्प ऋण भी नहीं मिलता था, उसको ज़्यादा ऋण दिलवाने का भी मुद्दा था जी। जो अऋणी थे उनको भी पात्र बनाने का मुद्दा हमारे पास है जी। उसके बाद ऋण बहुत कम मात्रा में देते हैं, बिल्कुल उनको भी लाभान्वित करना है जी। ये कई सारे खाद की समस्या बहुत सारी है हमारे, के खाद है ना पहले तो अवेलेबल होता था, अभी खाद नहीं मिल पा रहा है तो उसे एडवांस में है ना चल के भी है उनको उसको लाभान्वित करवाने की, अच्छी सोसाइटी बनाने में, सोसाइटी को मजबूत करने का हमारा लक्ष्य है जी। रोहिड़ा की बात करते हैं तो आपकी लैम्स के अंदर कितनी पंचायतें आती है आपके? हमारे है ना पंचायतें, 2 पंचायतें फुल फ्रेश है ने एक आधी पंचायत ध्रुजिया का जुड़ा हुआ है उसमें। तो ज़्यादातर जो लोग हैं खेती पे डिपेंड है यहाँ पे, तो किसान यहाँ खेती वगैरह किस प्रकार से करते हैं, सिंचाई की क्या साधन? सिंचाई की हमारे यानी कैनाल तो बहुत नील के बराबर है जी जी। बाकी हमारे यहाँ इरीगेशन पूरे विद्युतीकरण है, टोटल मोटरें लगी हुई है, काश्तकार अपने खुद की मोटर का यूज़ करके है ना करता है। तो 90% लोग खेती पे डिपेंड है, 95% खेती पे लोग डिपेंड है। वर्तमान में स्थिति यह है कि अब की बार यूरिया और डीएपी की काफ़ी किल्लत रही, तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हालांकि वही लैम्सों के अंदर खाद नहीं आया और मजबूर होकर किसानों को 500 रुपये प्रति बैग के हिसाब से बाहर से लाना पड़ा और कालाबाजारी का शिकार भी होना पड़ा। तो मेन समस्या तो खाद की ही है ना, जो ये केंद्र सरकार ने इनका कोटा कम कर दिया है। ये प्राइवेट डीलर को है 90% पहले है ना, ये इपको क्रपको है ना वो आवंटित कर दिया, पहले है ना वो लैम्स के माध्यम से ही मिलता था, कोऑपरेटिव में ही आता था। बिल्कुल। तो इसका है ना हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि है ना उससे ज़्यादा से ज़्यादा कोटा बढ़ाया जाए, काश्तकार को समय पर है ना खाद बीज मिले, ये हमारे मुख्य। इसके साथ ही बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, अपने इस क्षेत्र में ज़्यादातर क्या है, केमिकल काफ़ी यूज़ हो रहा है, उससे बीमारियां भी पनप रही है। तो आप अध्यक्ष भी बन चुके हैं, लोगों को मोटिवेट करें ऑर्गेनिक खेती के को लेके क्या कहना चाहेंगे? तो ऑर्गेनिक के लिए तो हम बहुत ये जागरूक करेंगे, काश्तकार को प्रेरित करेंगे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा है कृषि विभाग से भी हम सहयोग लेंगे जी। सरकार को भी इस पर थोड़ा मंथन होना चाहिए। सरकार बिल्कुल कर रही है, राजस्थान सरकार अवेलेबल है उस मामले में, काश्तकारों के लिए भी अच्छे हैं उनके कदम उठाए हैं, बिजली संबंधी भी है ना उनका लाइट बिल है ना उनका बिल्कुल जीरो बैलेंस आ रहा है कृषि में जी जी। और ये तो अभी घोषणा हुई है, ये तो नहीं खाली चुनावी, नहीं पहले से ही चल रहा है हमारे जी जी। साल भर से ही हम करें जीरो बैलेंस आ रहे हो रहे हैं जी जी। क्योंकि विपक्ष वाले कह रहे हैं चुनाव को देखते हुए, विपक्ष के पास मुद्दा क्या है, वो तो है ना उनका काम करेंगे जी जी। हमारा काम तो हम देख रहे हैं जनता उसको लाभान्वित हो रही है। डीएपी यूरिया के भाव है जो आसमान छू रहे हैं, क्या कहना है उसको लेके? जरूर है ना डीएपी यूरिया के भाव है ना उसको है ना, जिस तरह से डीएपी यूरिया के भाव बढ़ाते हैं उस तरह जींस का भी भाव बढ़ना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने है ना फसलों का दाम उचित मिलते नहीं है, उसके बाद है ना ये क्रय करते हैं वो समय पर है ना अपने धान की फसल मान लो है उसकी खरीददारी अपने यानी बांसवाड़ा जिले में। बिल्कुल बिल्कुल।
इस वजह से किसानों को मजबूर होकर जिनसे कम रेट पे बेचना पड़ता है, उन्हें पौने दाम पे ना बेचना पड़ता है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है, खेती में पैसों की लागत होती है, तो उसके लिए है ना सरकार से हम है ना, हम किसान संघ से भी जुड़े हुए हैं, उससे भी है ना हम कराने मांगे करते रहते हैं। इसके बाद है ना ये जो बीमा वगैरह है उसको है ना 2019 में है जो बीमा मिला उसके बाद कोई बीमा मिला नहीं, अभी भी है ना अति बेमौसम बरसात हुई उसमें काफ़ी काश्तकारों की फसलें नष्ट हो चुकी, परंतु काश्तकार की हित की बात है, सबकी आवाज़ है एक ही होनी चाहिए ना, वो है जिला स्तर पर। समस्या यहाँ के खड़ी रह जाती कि हम एक जजम पे नहीं बैठ सकते, बीजेपी कांग्रेस करते हैं, ऐसा है ठीक है वो बहुत कम होता है, बाकी है ना सब है ना बात मुद्दे की नहीं रहती है, उस संगठन आके बीच में अपने अपने है ना वो करता है, परंतु उससे दलगत से ऊपर उठकर काश्तकार की बात करनी चाहिए, हर राजनीति से ऊपर उठकर मुद्दे की बात करनी होनी चाहिए। तो आप बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के आगे चलेंगे क्यों? बिल्कुल जरूर, हमें कोई है ना चुनाव के टाइम में राजनीति हो जाती है उसके बाद सब एक है हम। अध्यक्ष महोदय आप तो पहले डायरेक्टर रहे हैं, किसानों की लिमिट है वो बहुत कम है, बहुत कम है। हकीकत यह है कि सरकार ने 1,50,000 तय कर रखी है, लेकिन हकीकत यह है कि उनको बैंकों के चक्कर निकालने पड़ते हैं लोनिंग के टाइम में मजबूर होके, और हकीकत यह है कि यहाँ के धरातल पर जो किसान है उनको 20,000, 50,000, 30,000 ये मिलती है राशि। बिल्कुल सही है सर इनकर, परंतु हमारे लैम्प्स में अभी तक है ना व्यवस्था कुछ ठीक है, हमें लाख लाख रुपया, डेढ़ डेढ़ लाख रुपया है ना, डेढ़ तक लिमिट है हमारी, परंतु हमें लाख लाख तक भी है ना अच्छे काश्तकार हैं उसमें है ना ग्रोथ में पहुँच चुके हैं हमारे। इसके अलावा लैम्प्स में किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए आपके हिसाब से? लैम्प्स में हर व्यक्ति अपने अनंकर सुविधा अनंकर काश्तकार की संबंधी यानी खाद की होनी चाहिए, बीज की होनी चाहिए, उनकर हर प्रकार की दवाइयों की होनी चाहिए, जिंक्स की हो, जिंक्स वगैरह सब है ने होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे किसान के खेती करने के लिए बुआई करने के लिए ट्रैक्टर है, हल है, कई प्रकार के साधन चाहिए, तो उसमें भी सब्सिडी वगैरह कुछ होना ही चाहिए? बिल्कुल है ना, उस सब्सिडी के लिए तो राज्य सरकार जो दे रही है उनका, उसके बाद केंद्र सरकार भी उसमें सहयोग रहता है, परंतु समय पर काश्तकार हकीकत है कि नाम मात्र है ना है होता है उसमें, फिर बांट दिया है कि उनका रहने लघु सीमान ने उनका सीमान ने यूँ कैटेगरी में बारी भी सामान्य के लिए इतना आने उनका रहने STSC के लिए ये कोटा है ये तो उसमें नहीं ले पाता है पूरा, ऑनलाइन करवा के फिर इनको देकर फाइलों लेके चक्कर काटते रहते हैं किसान। क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया है किसानों ने? बिल्कुल उनका है ना बहुत आभारी है हम ने, उनके लिए ना हम तत्पर रहेंगे 5 साल तक उनके लिए, बिल्कुल है ना उनको काम करेंगे, उनकी हर आवश्यकताओं को आधी रात को भी उठेंगे हम।